ग्वालियर के जयविलास पैलेस में शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव के जरिए स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को नेटवर्क बनाने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाए जाएंगे। ग्वालियर में शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने किया। इस कॉन्क्लेव में देश की 40 कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से काफी युवा भाग ले रहे हैं। पिछले वर्ष इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसी को देखते हुए दो दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप और इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में यूथ माइग्रेशन की कमी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे दूर किया जाएगा। देखिए, ये एमपी साइनिंग कॉन्क्लेव करके है और एमपी साइनिंग कॉन्क्लेव में बेसिकली इस कार्यक्रम की जो अवधारणा है वो स्टार्टअप और इन्वेस्टर को मिलाना है। स्टार्टअप के मन में जो संकोच है उसको खत्म करना है और जो सफल स्टार्टअप हुए हैं उनको लाके उन लोगों के बीच में उनकी स्टोरी को शेयर करना है, जिससे जो नया स्टार्टअप है, नया बच्चा है जिसके मन में कोई आइडिया आया है, वो ड्रॉप ना कर दे। अगर उसके मन में आइडिया में कहीं सुधार की आवश्यकता है तो उसके एक्सपर्ट इसके अंदर मिलेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर मिलेंगे। उसको अगर ये लगता है कि मुझे तकनीकी रूप से कहाँ मेरे को उसमें और मजबूत होना चाहिए, एआई का जो इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है तो एआई को कैसे उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।